एक और व्यू समझना चाहेंगे इस वक्त किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से डॉलर इंडेक्स फिर से 105 की तरफ चल रहा है मेटल स्टॉक्स में, और यहाँ से खैर ग्लोबली एक डिमांड का, चाइना की अनलॉकिंग का, ये वाले चाइना के स्टिमुलस का बड़ा ट्रिगर रहता है इस वक्त, ये जो ग्लोबल सेक्टर्स हैं, मेटल जैसे सेक्टर, आईटी जैसे सेक्टर, इन पर व्यू क्या बनाना चाहिए? सो मेटल सेक्टर में तकरीबन 50% से ज्यादा कंजम्पशन चाइना करता है। चाइना एक आयरन वेल वाला कंट्री है, जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। तो मेटल सेक्टर के ऊपर कॉल देना बहुत मुश्किल है। चाइना क्या दिखाएगा, क्या करेगा, वो उन्हीं को मालूम। हमें लगता है कि इस वक्त मेटल सेक्टर से थोड़ा संभाल के कॉशियस रहना चाहिए, बिकॉज जो न्यूज चाइना से आ रही है वो उतनी अच्छी नहीं है। उससे अच्छा हमें आईटी सेक्टर लगता है। वहां पे पिछले एक साल से काफी हद तक अंडर परफॉर्मेंस हुआ है। ग्रोथ वॉल्यूम दोनों के ऊपर चिंता का विषय है, बट अब हमें लगता है कि शायद ये सब बादल छटने वाले हैं। एक अगर कॉस्ट वाइज से देखे तो आईटी क्षेत्र में रिक्रूटमेंट काफी कम हो गया है, एम्प्लॉयज की बार्गेनिंग पावर काफी कम हो गई है, उस वजह से मार्जिन में कॉस्ट रिलेटेड कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगी। ऑब्वियसली अगर आप एम्प्लॉय रिक्रूट नहीं कर रहे हो तो उसका मतलब ये भी है कि आप बिजनेस में ग्रोथ या वॉल्यूम नहीं देख रहे हो। हमें लगता है कि वो धीरे धीरे टर्न अराउंड होने वाला है। कंपनीज ने जो अपने बजट बनाए थे आईटी स्पेंडिंग के लिए, पिछले 6-7 महीनों में खर्चा नहीं किया है, आने वाले 5-6 महीनों में उसके ऊपर वो खर्चा करेंगे। ऑर्डर्स कन्वर्जन साइकिल फिर से इंप्रूव हो जाएगा, जैसे जैसे नए ऑर्डर आएंगे वैसे वैसे रिक्रूटमेंट भी चालू होगी और उस वजह से आईटी क्षेत्र को फायदा मिलेगा। यहां से लेके नेक्स्ट 6 से 9 महीने आईटी सेक्टर अक्यूमुलेट करने के लिए सही रहेंगे।